दोस्तों, हमारे मन की कई ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन की इच्छाएं भी पूरी हों। और वो ये चाहता है कि हम अपने मन से उन इच्छाओं को ना निकालें। वो चाहता है, उसके पास ऐसे कान हैं कि वो आपके मन की इच्छाओं को भी सुन सकता है और मन की इच्छाओं को भी देख सकता है। वो बहुत प्यारा परमेश्वर है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे वचन को शेयर कर रहा हूँ जो वचन आपने कई बार सुना होगा, भजन संहिता 37:4, Psalm 37:4, यहोवा में मगन रहे वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। कितना अद्भुत वचन है, हालेलुया, कितना अद्भुत प्रॉमिस है परमेश्वर का। यहोवा में मगन रहे, कैसे मगन रहे हम परमेश्वर में, हालेलुया, कैसे रहे हम उसकी इच्छाओं को समझें, हम उसको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को बिताएं, हम उसके प्रेम को समझें, हम उसकी चेतावनियों को समझें, हम उसकी डांट को भी समझें और उसके प्यार को भी समझें, हालेलुया, हम उसमें रम जाएं, हम उसके हो जाएं, हम हर पल उसकी उपस्थिति को महसूस करें, हम हर पल उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को लगा दें। मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, ये जो जीवन हमें बहुमूल्य जीवन मिला है ये हमारा नहीं है, ये हमें अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। आपको याद है शमूएल, जब मंदिर में छोटा सा शमूएल सो रहा था और परमेश्वर उससे बात करना चाहता था और परमेश्वर ने आवाज़ लगाई शमूएल, पहली आवाज़ में शमूएल ने कहा, वो एली के पास गया कि क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया है? एली ने कहा, नहीं मैंने नहीं बुलाया, जाके तुम सो जाओ। फिर वो सोने की कोशिश कर रहा था, फिर परमेश्वर की आवाज़ आई, शमूएल, फिर वो एली के पास गया कि शायद एली ने बुलाया हो। एली ने कहा, नहीं मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, जाके सो जाओ। फिर वो तीसरी बार जब आया और तीसरी बार परमेश्वर ने उसे फिर पुकारा शमूएल, तो एली के पास गया और एली ने समझ गया कि परमेश्वर उससे बात करना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर ने शमूएल से बात की कि वो क्या करना चाहता है और कैसे वो इस इज़राइल को चलाना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज हमारे जीवन में भी संभव हो सकती है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बात करे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाणी को समझें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को समझें, उसकी कृपा को समझें, उसके एहसास उसके विचार को समझें। और ये तभी होगा जब उसमें मगन हो जाएंगे, हम उसमें मगन हो जाएंगे। जब तक हम उसमें मगन नहीं होंगे, जब तक हम उसके नहीं हो जाएंगे, जब तक संसार हमारे अंदर से नहीं निकलेगा मेरे भाई मेरी बहन, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। यहोवा में मगन रहे, एक ही बात है, एक ही विचार है, एक ही आज्ञा है कि हमें उसमें मगन रहना है। और आप जानते हैं जब आप मगन रहेंगे तो क्या होगा, आपके मन की बातें भी पूरी होंगी। वो कहता है तेरे सारे मनोरथों को वो पूरा करेगा, यानी कि जो तू मन में सोचता है उसको भी परमेश्वर पूरा करेगा। हो सकता तेरी जबान पे वो बात ना आए, अगर तूने मन में सोचा है, कोई इच्छा जाहिर की है, किसी मन में बसाया है, परमेश्वर कहता है वो मन की इच्छा को भी, वो मन के मनोरथ को भी परमेश्वर पूरी करेगा अगर तू उसके उसमें मगन रहेगा, अगर तू उसकी इच्छाओं पर चलेगा, अगर तू उसमें पूरी तरीके से प्रसन्न रहेगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिस दिन तू अपने जीवन को लगा देगा, तेरे मन की इच्छाएं परमेश्वर पूरी करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज का ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। आज का वचन आपको बता रहा है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आज का वचन आपको बता रहा है कि परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप में लीन है, आपको प्यार करता है, हालेलुया। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, और कोई वचन अगर आप सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए पेश करूँगा, लेकिन इस वचन को सुनिए और लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।